जनपद हापुड़ में बुधवार यानी 29 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए नगर निकायों को आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसके चलते गढ़मुक्तेश्वर के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन सोना सिंह ने नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की अपील की। इस दौरान विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक किया गया और सफाई कर्मियों व अन्य को शपथ दिलाई कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं किसी दुकानदार से या किसी अन्य से प्लास्टिक के बैग या थैली की मांग नहीं करूंगा। मैं खाने के लिए पुनः उपयोग में लाई जा सकने वाली क्रॉकरी का ही उपयोग करूंगा एवं सिंगल उपयोग के प्लास्टिक का बहिष्कार करूंगा। प्राकृतिक संसाधनों नदी तालाब झील और समुंदर आदि में प्लास्टिक सहित अन्य कचरे आदि को नहीं फेंकूंगा और न ही किसी अन्य को फेंकने दूंगा। अपने समाज घर विद्यालय कार्यस्थल पर किसी भी उत्सव कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक के बर्तनों जैसे प्लेट चम्मच गिलास आदि का बहिष्कार करूंगा व ऐसे उत्सव कार्यक्रम आदि में पुनः उपयोग जा सकने वाली। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है और ऐसे में 3 जुलाई तक जगह जगह छापेमारी की जाएगी। यदि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो ऐसे में 1,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का नहीं भंडारण करें, नहीं बेचें और नहीं किसी को प्रयोग करने दें। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग आज से समस्त भारत वर्ष में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है।